रात के 1:30 बजे का समय था। अचानक से कमरे में गोली की आवाज से प्रीति की आंखें खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे का लाइट जलाई। फिर उसने देखा कि उसी के मोहल्ले का लड़का स्वप्निल छत से कूदकर भाग रहा था। बिस्तर पर उसके पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। इस घटना से अनजान प्रीति अपने पति के इस हालात को देखकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। आखिर स्वप्निल कौन था और स्वप्निल की प्रीति के पति सुमेर सिंह से क्या दुश्मनी थी? अभी आपने जो वीडियो देखा, अभी के टाइम पे इस तरह के वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज मुश्किल से आपको 10 चैनल भी नहीं मिलेगा जो ऐसा वीडियो बना रहे हो। मतलब कि कंपटीशन बहुत कम है और ग्रोथ बहुत ज्यादा। इसकी गारंटी मैं देता हूं कि अगर कोई भी क्रिएटर इस टॉपिक पे अपना चैनल स्टार्ट करता है तो 30 से 40 वीडियो में उसका चैनल बूस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगर आप मेरे तरीके से काम करते हैं तो इसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि आपको चैनल का कैटेगरी क्या सेट करना है, कीवर्ड क्या सेट करना है, कंटेंट रिसर्च कैसे करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल, हर चीज के बारे में बात करूंगा और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। सब का मैं ध्यान रख के इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं ताकि मैं एक ही वीडियो में आपको सब इंफॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए, मेरे मेहनत के लिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है? कमेंट करने से आपको भी फायदा होता है, आप यूट्यूब के एल्गोरिथम में फंसते हो, ठीक है, जिससे आपके वीडियोज को, आपके चैनल को ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं और मेरे चैनल से आपका इंट्रैक्शन बढ़ता है। इसीलिए कमेंट कीजिए और आप कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, बिकॉज उससे मुझे खुशी मिलती है, आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतर वीडियोज बना पाता हूं, ठीक है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहां पे साइड में आप देख सकते हैं, ये एक चैनल है स्टोरी बाय उदय। ये देखिए, इन्होंने रिसेंट में अभी एक वीडियो अपलोड किया है, 10 दिन पहले 28 लाख व्यूज है। नीचे देखिए, ये वीडियो तीन वीक पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 3 वीक पहले 10 लाख व्यूज है। ये देखिए, 3 वीक पहले 29 के व्यूज है, ये 2 मंथ पहले 36 लाख व्यूज है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, इनके चैनल को ओपन करते हैं। जस्ट मैं आपको बता दूं, इस तरह के टॉपिक अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसलिए देखे जा रहे हैं और ये हमेशा देखे जाएंगे, बिकॉज निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, निगेटिव चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं। देखिएगा, यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियो पे आपको बहुत कम व्यूज मिलेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी वाले जो भी वीडियो होते हैं, सभी पॉपुलर होते हैं, सभी पे मिलियन में व्यूज रहता है, कंट्रोवर्सी, बिकॉज लोग निगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसीलिए अब देखिए, इनके वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, बट फिर भी लोग देख रहे हैं। बट मैं जो कंटेंट आपको बताया, मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं, इनसे बेटर तरीके से बताने वाला हूं, और अगर आप सही तरीके से, मेरे बताए तरीके से काम करते हैं तो आप इनसे भी आगे जा सकते हैं बहुत जल्द, ठीक है? चलिए देखते हैं, यहां पे इनके चैनल के वीडियोज के सेक्शन पे जाते हैं और यहां पे देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो बहुत अच्छे से व्यूज आ रहा है। किसी एक वीडियो को मैं ओपन करता हूं, जैसे ये देखिए 10 लाख जिस वीडियो पे व्यूज है उसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ऐड आ रहा है, भाई पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? वीडियो बनाकर आप भी कमा सकते हैं। अब देखिए, जस्ट देखिए उन लड़कियों के पर, ये देखिए, देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन फिर वो आके वहीं पर बैठ जाता, बार बार उनके आसपास ही रहता और उनसे इधर उधर की बातें करता। दोस्तों आजकल कुछ नहीं है वीडियो में, एडिटिंग के नाम पे कुछ नहीं है। मैंने जो एडिटिंग आपको सिखाया, तो एक साइड मैं बोल रहा हूँ, साइड में स्क्रिप्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट हाईलाइट हो रहा है, उससे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, लोगों का ध्यान स्क्रिप्ट पे जाएगा, हाईलाइटर पे जाएगा, जिससे आपको ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने सस्पेंस क्रिएट किया है, ठीक है? सस्पेंस क्या क्रिएट किया है मैं बताऊंगा, कैसे आपको सस्पेंस क्रिएट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका चैनल बहुत फास्ट ग्रो हो। और आप ही नहीं, इस टॉपिक पे मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करने वाला हूं। मैं इस चैनल पे तो काम करूंगा ही, साथ में मैं उस पे भी वीडियो अपलोड करूंगा। और जब भी आप अपना नया चैनल स्टार्ट करेंगे इस तरह के टॉपिक पे, तो आपको नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, नया चैनल क्रिएट करके उसके बाद उस चैनल का सेटिंग सब कुछ अच्छे से करना है, उसके बाद आपको अपना चैनल स्टार्ट करना है, बिकॉज यूट्यूब नए चैनल को बहुत ज्यादा
बूस्ट करता है। और चैनल आपको कैसे क्रिएट करना है, इस वीडियो में मैंने जितना डिटेल से बताया है, पूरे YouTube पे आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर, मेरे इतना डिटेल से बताया हो। इसलिए इस वीडियो को देखकर अपना चैनल क्रिएट कीजिएगा, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अब बात करते हैं यहां पे, तो इनके वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा वीडियो आप भी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंटेंट रिसर्च आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद मैं पिछले इस वीडियो में भी आपको बताया था, सिंपली आप सर्च करेंगे अवैध संबंध की कहानी। सर्च करने के बाद देखिए बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आपको यहां पे मिल जाएंगे जिसको पढ़कर आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत गंदे टॉपिक नहीं होते हैं, बहुत गंदा स्टोरी नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि इस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा या फिर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एडिटिंग करेंगे उसमें न्यूड फोटो का यूज नहीं करना है। ठीक है, न्यूड फोटो का आप यूज करेंगे तो उसको ब्लर करके यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप थंबनेल में यूज करें या फिर वीडियो एडिटिंग में यूज करें। इन सभी बातों का ध्यान रख के, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रख के आपको काम करना है। ठीक है, हालांकि देखिए जिंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, हर जगह रिस्क है। क्या मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें रिस्क नहीं है? इसमें भी रिस्क है। ठीक है, हर जगह रिस्क है, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वहीं लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पहला आर्टिकल है, इसको हम ओपन करते हैं, पहले वेबसाइट को। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टॉपिक मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक। देखिए यहाँ पे नीचे चलते हैं, अवैध संबंध ऊपर लिखा ही है। यहाँ पे देखिए क्राइम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक अलग ही सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए नीचे चलते हैं, देखिए यह है टॉपिक, नीतू ने खुद उड़ाया उजाड़ा अपना घर, बहनोई की मोहब्बत में अंधी हुई शादीशुदा औरत, प्यार में हुई गोलियों की तड़तड़ाहट, इसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाया था। ओपन करते हैं, देखिए यह है हमारा टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाया था। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं बनाया, पहले मैं आपको दिखा दूं। पहले नीचे देखिए बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, ये सब टॉपिक है भाई, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कंटेंट कहां से लाना है, देखिए ये सब टॉपिक हैं। और हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती है, ठीक है, जिससे आपको टॉपिक की कभी कमी नहीं होगी, बिकॉज ज़माना इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत कांड होते रहता है और ट्रेंडिंग में कुछ ना कुछ रहते रहता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कोई केस कर देगा, नहीं होगा भाई, पेपर में आ रहा है ना। आप डिस्क्लेमर यूज करेंगे अपने वीडियो में, डिस्क्लेमर लगा दीजिएगा, ठीक है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और भी बहुत कुछ इस तरह का डिस्क्लेमर आप अपने वीडियो में ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट आप लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ये भाई जो चैनल था स्टोरी बाई उदय, इन्होंने रिस्क लिया तभी तो आज पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से, तो बात समझिए। तो बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो क्राइम का सेक्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट देखिए यहाँ पे देखिए दुल्हन ने जो ब्लैकमेल करे, दुल्हने जो ब्लैकमेल करे, लूटे मार भी डाले, कानपुर में बच्चे हुए बेरहम, भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिया, बच्चों को बेसहारा बनाते अपराधी माँ बाप, देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन मिलेगा, सोशल, रोमांटिक, क्राइम, फैमिली, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। इन सभी तरह के कहानियों को आप अपने चैनल पे कवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप निगेटिव चीज़ें ही अपने चैनल पे कवर करें, आप ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी पे वीडियोज बना सकते हैं, बस ये आपके हाथ में। नीचे देखिए बहुत सारे इधर टॉपिक मिल जाएंगे जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि मैंने कैसे वीडियो बनाया। पहला यह है, ये देखिए प्यार में हुई गोलियों की तड़तड़ाहट, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है और उसमें अपना दिमाग कैसे लगाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस स्क्रिप्ट को पूरा, जो यहां पे आर्टिकल लिखा हुआ है इसको मैं पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपना से इसमें दिमाग लगाया कि इसका इंट्रो मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो इंट्रो मुझे यही अच्छा लगा। रात के 1:30 बजे का समय था, अचानक कमरे में गोली चलाने की आवाज से प्रीति की आंखें खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर तेजी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा कि मोहल्ले का ही युवक स्वप्निल छत से कूदकर भाग रहा था, जबकि गली में अंकित खड़ा था। बिस्तर पर प्रीति का पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। इस दौरान प्रीति द्वारा शोर मचाए जाने पर, तो यहां पर मैंने ऐसे नहीं, अपने स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। ठीक है, अब यहां तक तो सब सेम था, बिस्तर पर प्रीति का पति सुमेर सिंह उर्फ बॉबी के सिर से खून बह रहा था। उसके बाद मैंने क्या ऐड किया था ये मैं बता रहा हूं आपको।
ठीक है। इस घटने से अनजान प्रीति अपने पति के इस हालात को देखकर चीख चीख कर रोने लगी। आखिर स्वप्निल का प्रीति के साथ क्या संबंध है और स्वप्निल प्रीति के पति को क्यों मारना चाहता था, तो ये कुछ इस तरीके से आपको सस्पेंस क्रिएट करना है स्टोरी में, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहां से आपको इसको पढ़ना है, स्क्रिप्ट को रेडी करना है। ठीक है, तो मैं अब यहां से स्टार्ट करता हूं। चैनल का कैटेगरी आपको क्या सेट करना है, तो चैनल को आप इंटरटेनमेंट कैटेगरी में सेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूज हालांकि नहीं सेट कीजिएगा, इंटरटेनमेंट में ही रखिएगा, या फिर आप पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी में रख सकते हैं। दो कैटेगरी में आपको बता रहा हूं, आप इंटरटेनमेंट में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीपल एंड ब्लॉग में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि चैनल कीवर्ड आपको क्या सेट करना है, तो चैनल कीवर्ड यहां पे मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं, एज टू एज आपको सबसे टॉप में अपने चैनल का नेम ऐड करना है, उसके बाद जो भी कीवर्ड आपको दिख रहे हैं सबको ऐड कर देना है। लेकिन चैनल जब भी बनाइएगा आप इस वीडियो को देखकर बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं गारंटी लूंगा कि आपका चैनल ग्रो करेगा। 100% गारंटी दे सकता हूं अगर आप इस तरीके से अपना चैनल क्रिएट करके और जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से अपना वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल बिल्कुल ग्रो होगा। बिकॉज इस वीडियो में मैंने छोटे से छोटी सेटिंग को कवर किया है, चैनल का जो भी सेटिंग होता है सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि चैनल का सेटिंग बहुत जरूरी होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखकर चैनल बनाइए। अब यहां पे देखिए कंटेंट रिसर्च कैसे करना है, ये मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए सबसे पहले आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है, एक स्क्रिप्ट तैयार करना है, इंट्रो तैयार करना है। इंट्रो आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपका वीडियो इफेक्टिव हो, ठीक है, और स्टार्टिंग में आप अपने ऑडियंस को खुद की तरफ, अपने कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट कर पाए, उनके माइंड में सस्पेंस क्रिएट कर पाए, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में आप स्क्रिप्ट को याद कर लीजिएगा ताकि ऑडियंस पे इंप्रेशन बने, आपका इंप्रेशन बने, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रिप्ट को देखकर भी पढ़ेंगे तो साइड में आपका स्क्रिप्ट तो चलता रहेगा तो उससे लोग आपके वीडियो को देखेंगे, बट बोलने का तरीका आपका सही रहना चाहिए, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करना है और आराम से बैठकर और यहाँ से स्टोरी को बोल देना है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। रात के 1:30 बजे का समय था, कमरे में गोली की आवाज़ से प्रीति की आँखें खुल गई। उसके बाद ये मैंने याद कर लिया था, अभी मैं थोड़ा भूल गया हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया उस वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए, ठीक है, तो इसको याद करके आपको क्या करना है, इंट्रो रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद स्क्रिप्ट को पढ़ के आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं, तो एडिटिंग करने से पहले आपको एडिटिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एडिटिंग मटेरियल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा स्क्रिप्ट है तो पहला पैरा यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको पिक्सेल लैब पे जाना है, थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। जब आप पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इस वाले सिंबल पे आपको क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, दो बार टैप करना है, यहाँ से इसको कट करके फिर इस पर फिंगर रखना है और फिंगर रखने पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये स्क्रिप्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। अब आपको ओके करना है, ओके करने के बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए अभी हम इसका कलर चेंज करेंगे, जस्ट ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ए पे क्लिक करेंगे, राइट जाएंगे, कलर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट जाएंगे, ब्लैक कलर को चूज करके ओके करेंगे, ठीक है, कलर चेंज हो गया। फिर हम राइट जाएंगे, स्टाइल पे क्लिक करेंगे और बी सेलेक्ट कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। अब आपको इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तो जस्ट हम यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट रेडी। इसी तरीके से जो भी पैरा है स्क्रिप्ट में सभी को कॉपी करके आपको इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। अब यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और डिफॉल्ट में अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर लीजिएगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान से देखिए। फिर अब आपको इसको क्या कर देना है, डिलीट के बटन पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। फिर हम चलेंगे इस वाले पेज पर और यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेना
लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब आपको फिर से पिक्सेल ऐप पे आना है। अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करके शेप्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल शेप लेकर नीचे देखेंगे तो आपको रेडियस का ऑप्शन मिलेगा। रेडियस को आप 10 कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके से 10 कर देना है रेडियस को, ओके करना है। अब आपको इस वाले सिम्बॉल पर क्लिक करना है, राइट जाना है और यहाँ पे शैडो पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप आगे जाएंगे, ब्लर रेडियस को बढ़ा देंगे। ब्लर रेडियस को बढ़ाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करके ओके करना है और यहाँ पे आपको अपनी इमेज को सेट कर देना है। ठीक है, देखिए वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाऊंगा इसीलिए भी, और बहुत सारे लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो अब थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊं, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊं। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच लेते हैं और इसको यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये बनाने के बाद अब आपको फिर से प्लस के बटन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको एक पतला सा लाइन ले लेना है। इसको क्या करना है, रेडियस को बढ़ा के 5 कर दीजिएगा। नीचे जाकर खांसी हो गया, इस वीडियो को तीसरा बार शूट कर रहा हूँ बिकॉज दो बार मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया जिसकी वजह से मेरा 2 घंटा का मेहनत बर्बाद हो गया। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने में, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग के एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको क्या करना है, कलर में ग्रीन कलर को चूज करना है, ये वाला ग्रीन कलर, ओके करना है। राइट जाएंगे, राइट जाने के बाद आपको शैडो पे क्लिक करके इसको इनेबल करके ब्लर रेडियस को बढ़ा देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सेट करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, डाउन एरो पे क्लिक करके अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको एडिटिंग मटेरियल को बनाना है एडिटिंग में यूज करने के लिए। जो भी स्क्रिप्ट आप लेंगे उसमें स्क्रिप्ट को कॉपी करके, टेक्स्ट को कॉपी करके PNG में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद इमेज को कुछ इस तरीके से शैडो दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको एडिट कैसे करना है, तो एडिटिंग के लिए हम लोग चलेंगे अपने मोबाइल फोन पे। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 17 मिनट के आसपास हो चुका है और एडिटिंग में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सेकेंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आज ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट का, बहुत जल्द मैं कल ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट, चिंता करने वाली बात नहीं है। तब तक इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको बताया उतना आप प्रैक्टिस करके रखिए। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।